आपका भी कुछ होगा तो हम आगे रहेंगे। मेरा क्या होगा? मान लीजिए कुछ हो जाएगा, रोड पे चलते हैं कुछ हो जाएगा तो हम हैं। मेरा मेरा क्या होगा? मतलब कुछ हो जाएगा तो मैं जानती। अब वो लाइव भी आई थी, मैंने सुना तो देखा नहीं, लाइव भी आई मोहन सिंह के साथ, इतना बड़ा गाना आ गया उसी दिन। बताइए क्या बोला जाए उसमें, उनके बारे में तो हम लोग अभी भी आके पूरी जाको राखे साईया मार सके ना कोई। चलिए जेकर जेकर राम पूरी के दूसर का सरनी यही है, जेकर राम ना बिगड़िए ओकर लोग। मैंने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं। ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, देख पा रहे हैं हम बस धारा चंडी महोत्सव में आई है, क्या करिएगा। बस माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे और आप सभी ऐसे ही माता रानी का गुणगान करते रहे। चलिए बहुत बड़ी खबर है कि जो आकांक्षा दुबे की हत्या हुआ है, आप यूपी के बेटी हैं, वो भी यूपी के बेटी है, क्या कहिएगा उस हत्या के बारे में। सबसे पहले तो आकांक्षा, स्वर्गीय आकांक्षा दुबे जी की आत्मा को शांति मिले। और मैं तो यही बोलूँगी कि आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये तो हम नहीं जानते। और हम इतना तो उनको, उनसे अच्छे से हम नहीं मिले थे। और ये बात सही है कि हम आज तक उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन एक कलाकार होने के नाते एक सॉफ्ट के लिए है मेरे अंदर कि वो भी एक लड़की है और हम भी एक बेटी है, वो भी स्ट्रगलर है, हम भी स्ट्रगलर है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गलती किसी की भी हो, आपको जान नहीं देनी चाहिए थी। और अगर आप आज हमारे बीच में होते तो शायद आप एक बहुत बड़ा भविष्य थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का। एक अच्छा आर्टिस्ट और हीरोइन है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैम तो कल रो रहे थे हम लोग खुद घर में, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब लाचार हैं, हम लोग क्या क्या बोला जाए उसमें। उनके बारे में तो हम लोग अभी भी आके पूरे, अब तो और उनके बारे में हम लोग जब भी सोशल मीडिया खोल रहे हैं, मैंने कल 8 घंटे अपना मोबाइल बंद कर दिया था, जैसे ही कुछ खोल रही थी सिर्फ आकांक्षा दुबे जी, आकांक्षा दुबे, मतलब एक बेटी होने के नाते, चल रहा है ट्रेन, एक बेटी होने के नाते बहुत बहुत दुख हो रहा था। हमारी माँ बाप खुद, मेरी मम्मी कह रही है नहीं हम आ रहे हैं तुम्हारे पास रहेंगे, तो कोई भी हो यार, माँ बाप होते हैं। और ऐसे भोजपुरी में कहीं ना कहीं हत्या होते रहेगा तो क्या बदनाम हो जाएगा भोजपुरी? बिल्कुल, अब ये तो नहीं पता कि हत्या है कि आत्महत्या है, ये तो हम नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, ऐसा ऐसा मत कीजिए प्लीज, कोई भी हो, आप लोग जो भी बातें हो आप अपने फैन से बोलिए, सबसे बड़ी बात आप अपने परिवार से बोलिए, आप अपने परिवार में रखिए अपनी बातें, आपके दिल की जो भी बातें हैं, अपने साथ एक भाई रखिए, किसी से भी शेयर कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया ना कि शेयर करने से दिल हल्का होता है। तो हो सकता है कि आपके मन की ऐसी बात हो जो आपके फैन सुने तो आपको कुछ राय दें, आपकी मम्मी सुने, सबसे बड़ी बात है अपनी मम्मी से बताइए, जैसे मैं करती हूँ, अपनी सारी बातें अपनी मम्मी से शेयर करती हूँ, कोई भी बात हो चाहे कोई भी हो, मैं तो इससे शेयर करती हूँ, ये भी कुछ ना कुछ राय मशवरा देता ही रहता है। तो इसलिए एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में रखिए, खासकर लड़कियाँ, जो आप अपनी बातें अपने तक नहीं, घुट घुट के नहीं मरिए, बात शेयर कीजिए और राय लीजिए, अच्छे से जिए जिंदगी। यार कितनी बड़ी लाइफ है हम लोगों की, अभी तो शुरुआत था, अभी तो पता नहीं कितना परचम लहराना बाकी था। उस सिंगर के भी नाम आ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? कैसा सिंगर, मतलब मैं समझी नहीं। माँ आरोप लगा रही कुछ सिंगर के लेके, मेरा वो बॉयज फ्रेंड था। मैं नहीं जानती इसके बारे में, बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बहुत दोस्त है आजकल, दोस्त किसके नहीं है, सबके दोस्त हैं। तो अब खास तौर पे तो हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, हम तो नहीं किसी को जानते, लेकिन अब जो भी है अब तो वो पुलिस जाँच करेगी। मैं नहीं जानती, मैं कैसे बोल दूँ, मैंने आपको बोला ना कि मैं आकांक्षा जी को मैं आज तक कभी उनसे मिली नहीं हूँ, और ना ही मैं ऐसा कुछ मतलब उनसे कभी मेरी बात भी नहीं हुई है। तो वैसे कैसे बोल दूँ कि इस सिंगर का नाम है, कैसे, मैं जानती ही नहीं तुम्हें क्या। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए या नहीं? अब बिल्कुल होना चाहिए, अभी तो उनका परिवार बताएगा, अब उनका परिवार चाहेगा तो भाई सब होगा, जब उनका परिवार वहाँ खड़ा है तो जाहिर सी बात है एक परिवार अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचेगा, तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। बिल्कुल, आप यूपी के हैं, वो भी यूपी के हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? यूपी का सरकार एक्टिव होना चाहिए कि नहीं? सरकार तो ऑलरेडी एक्टिव है, ऐसी कोई बात थोड़ी है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं आई है, नहीं है, तो आएगी तो फिर देखा जाएगा, अब जो निकलेगा उसमें। अब हम क्या, आप तो बनारस गए थे, आप बताइए वहाँ का माहौल क्या था? अभी तो माहौल कल जाएंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, लगातार कवरेज में हम बने रहेंगे, क्योंकि न्याय दिलवाना है हम लोग का। ये बताइए आप उनके लिए आप खड़े होंगे कि नहीं होंगे? हम ऑलवेज खड़े हैं, और हमने आपको बोला ना कि कोई भी बेटी हो अगर भोजपुरी से है, चाहे आप कोई भी भोजपुरी की सिंगर देख लीजिए, कोई भी दिक्कत होता है लोग मुझे कॉल करता है तो मैं उनको ज़रूर समझाने की कोशिश करती हूँ, अनदर वे में नहीं। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अभी नई नई आ रही हैं, बहुत सारी मिसयूज़ उनका हुआ है या मिसबिहेव हुआ है, तो लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, अगर तुम्हें काम करना है तो लक्ष्य पे सीधे नजर डालो, ये नहीं कि ये हिट कर देंगे, कोई आज के जीवन में किसी को हिट नहीं करता है, आप ही को काम करना है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये लो माइक हम गा रहे हैं तो मुंह चलाओ, नहीं, गाना आपको है तो मेहनत ही आपको करनी है, आपको कोई स्टार नहीं बना सकता है, आपको मेहनत करनी है, सफलता आपको खुद मिलेगी। हम लोग कहते हैं ना कि एक एक दिन का ज्ञान व्यक्ति को विद्वान बनाता है, तो
एक एक दिन आप जब आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक सीख देते जाएगा। आप भले ही ठीक है हारिए, 100 बार हारिए, लेकिन हर 100 बार में आप 100 चीजें सीखेंगे। हारिए एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अनुपमा यादव ये बताइए, उनके जो आप लोग शोक मनाई कि नहीं? बिल्कुल मनाया, मैंने आज मंच पे भी बोला, मेरे कार्यक्रम था अभी औरंगाबाद है किसी में भी, मैंने वहाँ भी बोला। मैं क्या बोल सकती हूँ, इंसान मतलब एक लड़की होने के नाते हम लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं और मेरी दोनों आँखें भर जाती है हमेशा, और नहीं होना चाहिए ऐसा। प्लीज़ जितनी भी हमारी अभिनेत्रियाँ हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे एक मॉडल हों, चाहे कोई भी हो, चाहे नृत्यांगना ही क्यों ना, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अपील है, कोई भी बात रहे उसको परिवार में रखिए, परिवार से बातें कीजिए, परिवार नहीं है दोस्त रखिए, दोस्त से बातें कीजिए, लेकिन इतना बड़ा कदम मत उठाइए यार। आपके माँ बाप का आपके बाद क्या होता है, अब हम लोग देख रहे हैं ना, आप तो नहीं देख रहे हो, हम देख रहे हैं आपके माँ बाप पे क्या कुछ आरोप लग रहा है कि डिप्रेशन में ये काम किया। मैंने बोला ना कि मैं नहीं जानती कि डिप्रेशन में थी, अब मैं जानती, अब वो लाइव भी आई थी, मैंने सुना तो देखा नहीं, लाइव भी आई। मोहन सिंह के साथ इतना बड़ा गाना आ गया उसी दिन, बताइए। बिल्कुल गाना आया और काफी अच्छा, नागिन वाले गाने में भी वही अल्लू जी के साथ गाना तो उन्होंने बड़ा बड़ा दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है ये तो हम नहीं जानते, ये तो उनके कोई नजदीकी ही बता सकते हैं। हम लोग बस उनके यही बोल सकते हैं कि आपने गलत किया, लेकिन भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, आप जहाँ रहिए अब कम से कम बस जहाँ रहिए बस। चलिए ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। देखिए अभी अभी यानी अनुपमा यादव अभी प्रोग्राम में जा रही हैं, काफी मकसद करने के बाद हम लोग का यहाँ पर कुछ जजमेंट मिला, बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक बार दोस्तों हमारे साथ अनुपमा यादव यहाँ पे मौजूद है हमारे ब्लॉग चैनल पे पहली बार, और यहाँ तारा चंडी में यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी खबर। कैमरामैन विनोद का क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे? बस देखते रहिए, प्यार आशीर्वाद देते रहिए, अभी इतना तेज बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा। ये हमेशा अपडेट लेते रहते हैं और काफी अच्छा लगता है। अभी तारा चंडी मौसम में जा रही हूँ, महोत्सव के बाद मिलती हूँ। कहाँ से आते हैं बोलने की आप लोग? आप लोग से मिलता है, पता कैसे चल जाता है कि इस होटल में, इसी होटल में लोग? हम लोग रात भर काम करते हैं। नहीं 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 ठीक है ठीक है, आप लोग बड़े हैं और हम आप लोग हैं तो हम लोग हैं। नहीं अच्छा, आपकी मीडिया की वजह से हर इंसान एक मीडिया में बना रहता है, आप अच्छी चीजें भी दिखाइए, अच्छी चीजों को दिखाते भी हैं, आप निरंतर प्रयास करते हैं, अच्छी चीजें करते भी हैं। आपका भी कुछ होगा तो हम आगे रहेंगे। मेरा क्या होगा, मान लीजिए कुछ हो जाएगा, रोड पे चलते हैं कुछ हो ही जाएगा तो हम हैं। मेरा क्या होगा, मतलब कुछ हो जाएगा तो हम हैं। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। चलिए भोजपुरी के तुषार का सरनी यही है, जेकर राम ना बिगड़ियो कर लोग। मैंने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं, हर किसी का बनाया है, शुरू से लेकर अभी तक देख लीजिए, मैंने हमेशा बनाया है, मैंने कभी छल कपट नहीं किया, ऊपर वाला देख रहा है। चलिए 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 चलिए, लेट हो रहा है, देखो आप भी थोड़ा आराम से जाएगा, अभी सड़क ही अब चलते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और मीडिया है खबर चलाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, प्यार दुलार मिलता है। यानी देखिए अनुपमा यादव हमारे साथ कैमरा पर लाइव है, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे प्रोग्राम देने के लिए जा रहे हैं अनुपमा यादव जी, और गाड़ी उनके निकल चुकी।